नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सभी का नाम, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम, तो वे शब्द जिनका प्रयोग हम हर किसी के लिए कर सकते हैं, चाहे तो वो अनजान प्राणी हो, चाहे वह वस्तु हो और चाहे तो स्थान हो, तो उन्हें संबोधित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बिना नाम के, तो उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरे दोस्त का नाम शिखर है, शिखर 5वीं कक्षा में पढ़ता है, शिखर के पिताजी अध्यापक है, शिखर की माताजी डॉक्टर है, शिखर पढ़ने में बहुत अच्छा है, शिखर क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, शिखर को कई पुस्तकें भी पुरस्कार भी मिले हैं। तो हम देखते हैं ये जो वाक्य है इनमें बार बार एक लड़के का नाम आ रहा है, उसका नाम है शिखर, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके नाम के स्थान पर हम कुछ और शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। शिखर के नाम के स्थान पर कुछ और नए शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे हम केवल शिखर को संबोधित करेंगे, तो उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। शिखर एक बालक का नाम है और ये एक संज्ञा सूचक शब्द है। तो अब हम देखेंगे कि शिखर के हम नाम के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे पहला वाक्य है मेरे दोस्त का नाम शिखर है, तो अब देखिए शिखर के स्थान पर हम किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक है, उसकी माताजी डॉक्टर है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, उसको कई पुरस्कार मिले हैं। तो इस प्रकार इन वाक्यों में शिखर संज्ञा है और उसके स्थान पर वह, उसके, उसकी, उसको, ये शब्द क्या है, शिखर के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, तो ये सभी सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका बोध कराए, तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण में मैं, तू, वह आदि। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, अर्थात तीसरा व्यक्ति या तीसरा विषय, अन्य विषय जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं दो जने मिलकर के, तो यदि उसका बोध कराए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब हम सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करे उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। इसमें एक वचन है तो मैं, बहुवचन है तो हम, इसके अलावा
मैं, मेरे, मुझको, अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। उसके बाद में है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है तो उसकी बात जो सुन रहा है तो सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं, जैसे तू, तुम। अगला जो भेद है तीसरा वो है अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम को बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है मान लो दो व्यक्ति बोल रहे हैं तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वह उत्तम पुरुष में आ जाएगा, उसकी बात सुनने वाला व्यक्ति है वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, और वो दोनों मिलकर के जिस विषय के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं वह अन्य पुरुष में आ जाएगा। इसके उदाहरण में वह, वे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अगला भेद है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चयपूर्वक ज्ञान कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है। तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में ज्ञान कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम जो किसी वस्तु का निश्चयपूर्वक ज्ञान न कराए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई गा रहा है उसे कुछ हो गया है। तो यहाँ जो वाक्य हैं कोई और कुछ, ये शब्द है, इनसे क्या है स्पष्ट पता ही नहीं पता न चल रहा है कि भाई कौन गा रहा है और क्या हो गया है। स्पष्ट जानकारी न होने के कारण यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा उदाहरण है जो भागेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जैसा वैसा और जो वह शब्द दो बातों में मेल स्थापित करते हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में किसी प्रश्न का बोध कराए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन गा रहा है, यह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाक्य है कौन गा रहा है, वह क्या कर रहा है, इनमें प्रश्न का बोध हो रहा है कौन और क्या शब्द से, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। फिर है निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, वह स्वयं आया था। तो इन उदाहरण में आप और स्वयं शब्द कर्ता के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर भी आप और स्वयं शब्द है जो कर्ता अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है।